आइए चलते हैं दिव्य दृष्टि के ऑन लोकेशन पर, जहां चल रहा है मेजर ड्रामा। इस शो की टीआरपी काफी अच्छी है, इसलिए इस शो को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और दर्शकों को और एंटरटेन करने के लिए निर्माता इस शो में काफी एंटरटेनिंग ट्विस्ट और टर्न ला रहे हैं। देखा दिव्या को, देखा, लुक एट हर, शी इज हर्ट, उसको जला हुआ है फेस पे, उसकी तो वहाँ खड़ा हुआ कर रही है, बोली मैं तेरी माँ हूँ, सब ब्लैकमेल कर रही है मोस्टली। रक्षित ने मैजिक किया उसके ऊपर, सडनली देखा कि वो अब आने वाले ट्रैक में दिव्या और दृष्टि को लाल चकोर ने विकल्प दिया है ताकि वो उसे काल विजय रखने दे और बदले में अपने परिवार को बचा सके। परिवार को बचाने के लिए दिव्या दृष्टि बहुत बड़ा कदम उठाएंगे और एक पहाड़ी से कूद के अपनी जान दे देंगे। क्या ये दोनों वाकई में मर जाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए दिव्या दृष्टि स्टार प्लस और हॉटस्टार ऐप पर। तुम माँ कराने के लायक नहीं हो। साइलेंस। और आज बोलते तू यू आर अ मर्डर। हम दोनों का क्या कर रहे हैं? साइड साइड। अभी नैना वापस गिर एक्शन। हार्ट टच हो गया। अभी नहीं टच होगा। आइए बात करते हैं इनसे और जानते हैं इस ट्रैक के बारे में। दिव्य दृष्टि ने घर वालों को वापस जिंदा करने के लिए, मुझे और अक्षत को बचाने के लिए खुद की जान दे दी। तो अभी हाँ, हमने देखा, मैं देखा कि उनकी लाश पड़ी है यहाँ पे एंड हम लोग डेवेस्टेटेड है क्योंकि दिव्य दृष्टि मर गए हैं। एंड अभी देखते हैं कैसे, अगर वापस आएंगे, कोई शक्ति है उन्हें वापस आ सकती है कि नहीं, वो देखना पड़ेगा। सिरप से नहीं, अगर दिव्य दृष्टि अपनी जान देगी तो उनकी जान वापस आएगी, आई थिंक ऐसा कुछ है। मतलब लाल चकोर ने तो काफ़ी पूरे घर वालों को तहस नहस कर दिया था, अभी काफ़ी दिव्य दृष्टि को भी ठेस पहुंचा रहे हैं, मतलब आग वाग। क्योंकि लाल चकोर जो निकली वो रक्षित की माँ ही निकली, महिमा, तो ऑब्वियसली इतना बड़ा शौक, इतना बड़ा झटका पूरे परिवार को लगा कि महिमा ने ही पूरे परिवार को मारा, हमें मारने की कोशिश की, अपने खुद के बेटे को मारने की कोशिश की, तो वही शौक में है दिव्य दृष्टि और हम सब की अपना ही कोई ऐसा कर गया। ऑफकोर्स अपनी वाइफ को देख के जैसे वो प्यार करता है, उसकी बॉडी देख के तो कोई भी पति रोएगा। तो यार लास्टली कितना, ये तो ट्विस्ट हम देख ही रहे हैं, बट कैसे दिव्य दृष्टि को आप लोग बचाने वाले हैं? आई विश आई न्यू, मैंने हमें पता नहीं, हमें खुद रिवील नहीं हुआ कि हम कैसे बचाएंगे, शायद ना बचा पाए, क्या पता। थैंक यू सो मच।